माँ किचन कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। YouTube फैमिली, वेलकम टू माँ किचन कॉर्नर। आज हम बनाएंगे मजेदार चिकन फ्राइड वॉन्टन्स बनाएंगे। आपने बहुत दफा चिकन वॉन्टन्स खाए होंगे, आज हम इसे घर पे बनाएंगे और मैं इसको आपको इसका क्विक और इजी मेथड बताऊंगी। चलो इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने 200 ग्राम बोनलेस चिकन लिया था और उसे घर में फूड प्रोसेसर में जो है अच्छी तरह से इसे इसका कीमा बना लिया था। अच्छी तरह से इसे घर में फूड प्रोसेसर में कर लेंगे तो ये इस तरह का इसका टेक्सचर होना चाहिए। तो ये 200 ग्राम बोनलेस चिकन है। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट और 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। घर में इस तरह से कीमा बनाने से जो है बहुत ही स्मूथ सा कीमा जो है वो रेडी हो जाता है। साथ में 1 टीस्पून हम ऐड करेंगे सोया सॉस। इसमें हम लेंगे 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 1/2 टीस्पून सॉल्ट, क्योंकि हमने सोया सॉस भी ऐड किया हुआ है इस वजह से हम जो सॉल्ट थोड़ा कम यूज़ करेंगे। साथ में मैंने ली हुई है ये 3 हरी मिर्च ली हुई थी, इसे बारीक चॉप कर लिया है, ये भी ऐड कर देंगे। और साथ में ये हरी प्याज है, ये अराउंड 4 टेबल स्पून हरी प्याज बिल्कुल बारीक चॉप की हुई है, ये भी ऐड कर देंगे। और 2 टेबल स्पून हरा धनिया है, इसे भी बारीक चॉप कर लिया है, इसे ऐड कर देंगे। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सारे स्पाइसेस को हमने चिकन कीमे में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अच्छा, एक बात बताती चलूँ, ये स्पाइसेस है जिसमें भी हरी मिर्च है और चिली पाउडर है, जो चिली फ्लेक्स मैंने यूज़ किया है, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हो, कम या ज़्यादा कर सकते हो। अभी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने रखेंगे। जब हम वॉन्टन्स बनाएंगे उस वक्त हमें वॉन्टन्स की शीट्स की भी ज़रूरत होगी और साथ में हम जो लईट पर बनाते हैं उसकी भी ज़रूरत होगी। तो ये मैं बहुत ही अच्छा एक आपको तरीका बताती हूँ। एक अंडा लेंगे, उसे अच्छी तरह से बीट कर लेंगे और उसमें मैदा या गेहूँ का आटा जो भी अवेलेबल हो, मैं यहाँ पर गेहूँ का आटा 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स करके गाढ़ी सी लई बना लेंगे। इससे बहुत ही अच्छी तरह से वो जो है वो हमारे जो शीट्स है अच्छी तरह से वो चिपक जाती है और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आता है। हमारी थिक सी इसकी जो है लई जो है वो रेडी हो चुकी है और ये मैंने 1.5 टेबल स्पून इसमें आटा ऐड किया था और बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। ये वॉन्टन्स बनाने के लिए स्पेशल वॉन्टन शीट्स आती है, उससे वॉन्टन्स बहुत ही अच्छे बनते हैं। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के लिए कोई आसान तरीका लेकर आऊं जो हर चीज़ हर जगह इजीली अवेलेबल हो। मैंने स्प्रिंग रोल की शीट से इसको जो ट्राई किया था और रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया था और स्प्रिंग रोल शीट जो है वो हर जगह इजीली अवेलेबल है। तो मैंने जो ये स्प्रिंग रोल की शीट्स ली हुई है ये फ्रोजन आती है और ये जो है इस साइज़ की बड़ी वाली जो ली हुई है मैंने स्प्रिंग रोल की शीट्स, ठीक है। इसे हमें वॉन्टन शीट जो चाहिए वो स्क्वायर चाहिए और छोटी साइज में चाहिए। तो हम इस तरह से इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। पहले इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे हाफ में, इसके बाद इस तरह से हाफ करके इसके जो है 4 शीट्स रेडी हो जाएगी। हम इसे इस तरह से प्रेस कर लेंगे ताकि इसमें अच्छी तरह से मार्किंग हो जाए। और ये मैंने 10 शीट्स ली हुई है, तकरीबन 8 से 10 शीट्स है और इसे इस तरह से अलग अलग पहले करके रख लिया है ताकि जो है कटिंग के बाद ही आपस में चिपक ना जाए। और इस तरह से मैंने इसे 4 हिस्सों में कर लिया है और आप देखिए इसमें जो मार्किंग्स हो गई है और एक शीट से 4 वॉन्टन्स हमारे रेडी होंगे। अब रख लेंगे हम इस तरह इसके ऊपर और आप कोई भी नाइफ या पिज्जा कटर आप ले सकते हो और इसकी मदद से ये जो निशान बने हुए हैं इसमें करेंगे ताकि सारे जो है वो इक्वल साइज में कट हो जाए। ये इस तरह से इसकी बिल्कुल अच्छी तरह से ये पिज्जा कटर से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। बहुत ही शार्प कोई नाइफ या पिज्जा कटर से करेंगे हम तो ये इस तरह से सारे इक्वल पार्ट्स में इस तरह से कटिंग हो चुकी है। अब देखिए बहुत ही नीट एंड क्लीन इस तरह से हमारे वॉन्टन शीट्स रेडी हो गई है। अब हम इसे फिल करेंगे।
चिकन को मैरिनेट हुए भी 15 मिनट हो चुके हैं। ये हमारी इधर शीट्स बिल्कुल रेडी है और ये जो हमने अंडे और आटे की लई बनाई थी ये रेडी है। चलो अब मैं आपको वॉन्टन्स बनाने का तरीका बताती हूँ। हम ये इस तरह से एक शीट लेंगे और इसका जो पॉइंटेड हिस्सा है वो अपनी तरफ कर लेंगे। ये स्क्वायर जो है आप अपनी साइज के हिसाब से स्क्वायर बना सकते हो, लेकिन हम ये वॉन्टन्स की जो है एक्चुअल साइज जो है ये 3x3 या 4x4 ये होती है। इस तरह से हम सबसे पहले इस पे इस तरह से लई लगा दी है। अब ये एक टीस्पून जितना हम फिलिंग लेंगे और छोटा सा इसका इस तरह से मिक्सचर रखेंगे सेंटर में और ये ऊपर वाले हिस्से को इस तरह से लाके इस तरह ट्रायंगल शेप बना देंगे। उसे हल्के हाथों से इस तरह हम प्रेस कर देंगे। इस तरह से अच्छी तरह से ये हमने ट्रायंगल कर लिया है और ये बहुत ही अच्छी तरह से चिपक चुका है। फिर हम इसके एक कॉर्नर पर इस तरह से लई लगा देंगे, दूसरी साइड इस तरह से नीचे की तरफ लगा देंगे थोड़ी सी। अब ये हम ये सिरा लेके इसको सेंटर से थोड़ा सा प्रेस करेंगे और ये सिरा लेके इसके ऊपर इस तरह से हम चिपका देंगे। बस एक या दो सेकंड के लिए हम इसके इस तरह से पकड़ेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरह से चिपक जाएगा। ये रेडी हो चुका है हमारा वॉन्टन। मैं एक और आपको बना के बताती हूँ और बना लेते हैं। इस तरह से ये शीट ले ली है और इस पे इसी तरह से दोनों तरफ जो है हम इस तरह से लई लगा लेंगे हल्की हल्की सी। वन टीस्पून जितना मिक्सचर लेंगे हम, इसे इस तरह से सेंटर में रखेंगे अच्छी तरह से बॉल की शेप में और ये ऊपर वाला हिस्सा है इसे इस तरह से हम ट्रायंगल कर लेंगे और हल्के हल्के हाथों से इसे हम प्रेस कर लेंगे। इस तरह से हल्के हाथों से प्रेस कर लिया है, अच्छी तरह से ये चिपक चुका है। अब हम इसे इस तरह से करके एक साइड पे इस तरह से हम लई लगा देंगे और दूसरे हिस्से के पीछे की तरफ भी हल्की सी लगा लेंगे ताकि अच्छी तरह से चिपक जाए। अब थोड़ा सा सेंटर से हम इसे प्रेस करेंगे और इस हिस्से को इसके ऊपर इस तरह से हम अच्छी तरह से हम इसे प्रेस करके दो सेकंड के लिए हम इस तरह से प्रेस करके रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। ये चिपक चुका है और ये वॉन्टन का शेप इस तरह से रेडी हो चुका है। इस तरह सारे वॉन्टन्स में रेडी कर लेती हूँ। ये मैंने इतने वॉन्टन्स जो है वो रेडी कर लिए हैं। आप देखिए बहुत ही अच्छा इसका शेप आया है। हम इसे इस तरह से कंटेनर में डाल के भी हम इस तरह से इसे फ्रीज कर सकते हो और काफी दिन तक आप इसे इंजॉय कर सकते हो। और जो है ये इस तरह से हमारे पास इतनी शीट्स बाकी है और ये अभी भी चिकन का कीमा मेरे पास इतना है। अराउंड 200 ग्राम चिकन में अराउंड 40-45 वॉन्टन्स बहुत अच्छी तरह से रेडी हो जाते हैं। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है, इसे हम डीप फ्राई करेंगे। और जो है अब जो है तेल को हमने स्लो टू मीडियम फ्लेम कर दिया है, बहुत ज्यादा हाई नहीं रखेंगे क्योंकि जो चिकन है अंदर कच्ची है और इसे पकना है। इस तरह से हम ऐड कर देंगे और इसे स्लो टू मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से फ्राई करेंगे। अच्छी तरह से गोल्डन सा कलर आएगा फिर हम इसे रिमूव करेंगे। फिर हम इस तरह से स्लो टू मीडियम पे करेंगे तो अच्छी तरह से ये कुक भी हो जाएगा और इसका कलर भी बहुत अच्छा आ जाएगा। इसका हल्का हल्का सा कलर आ चुका है, इस तरह से हम इसे टर्न करेंगे। बहुत ही अच्छा कलर आया है, दूसरी तरफ भी इस तरह से कलर आ जाएगा।
फिर हम इसे रिमूव करेंगे। इसका कलर बहुत ही अच्छा आ चुका है और इसे मैंने उलट पुलट करके अच्छी तरह से फ्राई किया है। हम इसे रिमूव कर लेंगे, एक इस तरह से कोई भी छन्नी ले लेंगे और इस तरह से दूसरे भी हम फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को और भी मैंने थोड़ा सा स्लो कर दिया है और इस तरह से सारे हम फ्राई कर लेंगे। हमारे चिकन फ्राइड वॉन्टन्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आपने देखा कितने क्विक है, इजी वे में है और बहुत ही डिलीशियस बने हैं। आप इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। अंदर से जो चिकन है बहुत ही जूसी है और बाहर से ये बहुत ही ज्यादा क्रंची है। दिस इज मस्ट ट्राई रेसिपी। इसी तरह की क्विक एंड इजी मजेदार रेसिपीज के लिए स्टे कनेक्टेड टू माँ किचन कॉर्नर। नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ न्यू एंड एक्साइटिंग रेसिपी के साथ।